नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में ट्रेडिंग के मौके कहां पर हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1803545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं एंजल कमोडिटी के एवीपी अनुज गुप्ता नोएडा स्टूडियो से और साथ ही हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं केडिया कमोडिटी के एमडी अजय केडिया। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत करते हैं बाजार में फिलहाल किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है उससे, और अगर फिलहाल बाजार की चाल को देखें तो गोल्ड की कीमतों में करीब 44 रुपए की बढ़त है, यानी बाजार आज बिल्कुल दायरे में है लेकिन 27,200 के लेवल को होल्ड करता हुआ यहां पर दिख रहा है। चांदी में करीब 13 रुपए की कमजोरी है, 37562 का लेवल यहां पर दिख रहा है। और इन सब के अलावा अगर बात करें कच्चे तेल की तो यहां पर करीब 0.25% की गिरावट है और 3000 के नीचे भाव लुढ़क चुका है। नेचुरल गैस में करीब 0.5% की मजबूती शाम के कारोबार में। मेटल काउंटर को देखें तो कॉपर में करीब 1.5% की बढ़त है, यानी मेटल का मार्केट पूरी तरह से रेंज बाउंड है, बाजार में एक्शन की कमी है। हालांकि निकिल में शाम के कारोबार में कुछ एक्शन जरूर आया है, करीब 1.5% ऊपर है एमसीएक्स पर निकिल का भाव। और साथ ही जिंक की बात करें तो यहां पर करीब 30 पैसे की बढ़त है, 118 के आसपास है एमसीएक्स पर जिंक का भाव। लेड में करीब 0.25% की मजबूती। तो यह है बाजार का ताजा हाल। एग्री काउंटर में आज ग्वार में करीब 1.5% की तेजी आई है और करीब 60 रुपए बढ़कर मार्केट बंद हुआ है। ग्वारगम का भाव भी करीब 60 रुपए तक बढ़ा है, 8730 के स्तर पर मार्केट क्लोज हुआ है। और चने में 1.5% की तेजी आई है। शुरुआती कारोबार में बाजार में गिरावट थी लेकिन उसके बाद एक तेज रिकवरी आई है और 5300 के ऊपर मार्केट बंद होने में कामयाब हुआ है। गेहूं का भाव करीब 6 रुपए ऊपर 1642 के स्तर पर। और इसके अलावा अगर सोयाबीन की बात करें तो यहां पर करीब 2.5% की जोरदार तेजी आई है, 4100 के ऊपर बाजार क्लोज हुआ है। सोया तेल में करीब 3 रुपए की नरमी। तो यह है मार्केट का ताजा हाल। अब आपको बताने जा रहे हैं तीन ऐसी बंपर कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके होंगे अगले 6 घंटे के लिए। एंजल कमोडिटी का भी है कि गोल्ड में आप 27,200 रुपए के स्तर पर बाई करिए, लक्ष्य होगा 27,500 का और 27,000 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेडिंग के मौके होंगे, नेचुरल गैस बाई करिए 163 पे, टारगेट होगा 167 का और 160 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी कॉल जहां पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं आज के लिए, कॉपर एंजल का व्यू है कि 349 पे आप बाई करिए, टारगेट होगा 356 का लेकिन 344 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कारोबार के मौके हैं। बाजार में ट्रेड करिए, लेवल का ध्यान रखिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सबसे पहले गोल्ड की। गोल्ड में जिस तरह से एक मजबूती का रुख बनता हुआ दिख रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3.5 महीने की ऊंचाई पर है गोल्ड का भाव, क्योंकि अमेरिका में जो आर्थिक आंकड़े आए हैं वो कुछ खराब आए हैं। पहला सवाल अजय केडिया आपसे, गोल्ड में क्या आपको लगता है कि अब मौका आ गया है कि खरीद के चलना चाहिए और 27,500 का लेवल आपको टूटता हुआ दिख रहा है? गुड इवनिंग मृत्युंजय। थोड़ा सा गोल्ड की बात करें तो पिछले 2 हफ्ते से जब से नॉन फार्म का डेटा है तब से एक ट्रेंड रिवर्सल हमने देखा है डॉलर इंडेक्स में, उसी का असर है कि गोल्ड के प्राइसेस को कंटिन्यू 1103 डॉलर से आज ऑलमोस्ट 1185 डॉलर भी छू गया है। तो टाइमिंग में लगता है कि ये रैली कंटिन्यू रह सकती है, बट 1200 का लेवल तोड़ना थोड़ा मुझे इस वक्त मुश्किल लग रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक साइड की बात करें तो डिस्काउंट अभी भी 7 से 8 डॉलर का है, तो कहीं ना कहीं फेस्टिव सीजन चालू होने के बावजूद बाइंग नहीं आ पा रही है। साथ में रुपए में भी जो मजबूती आई है वो कहीं ना कहीं थोड़ा डेंट रहेगी, बट डिस्पाइट डेट मुझे लगता है कि 27,800 के लेवल डोमेस्टिक मार्केट में अगले 2 सेशन में गोल्ड दिखा सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, क्योंकि क्रूड का मार्केट दबाव में है, करीब 1% नीचे है एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव। और क्योंकि ग्लोबल मार्केट में ओवर सप्लाई की स्थिति बनी हुई है अमेरिका में उत्पादन घटने के बाद भी, और उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट पर दिख रहा है। अनुज गुप्ता, ऐसे में कच्चे तेल पर आपका
आउटलुक क्या होगा, क्या करना चाहिए? देखिए क्रूड में डेफिनेटली सप्लाई काफी स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं देखें तो सप्लाई बढ़ती हुई दिख रही है, इवन इन्वेंट्रीज भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो हो सकता है कि थोड़ी करेक्शन देखने को मिले। बट अगर हम देखें तो अब प्राइस ओवरसोल्ड कैटेगरी में अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखते हैं तो मेरा व्यू ये है कि थोड़े बहुत अगर गिरावट और मिलती है तो वहाँ बाय करना चाहिए। ऊपर हमें लगता है कि अगेन प्राइस करीबन 3020 या 3050 तक देखने को मिल सकते हैं, तो एक लोअर लेवल में बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। ओके, आप कह रहे हैं कि लोअर लेवल में बाइंग करना फायदे का सौदा हो सकता है, तो ये एक आपके लिए रणनीति बेहतर हो सकती है, लेकिन बाजार में लेवल का ध्यान जरूर रखिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ एग्री काउंटर की, और एग्री में यह है कि आज सोयाबीन की कीमतों में एक बार फिर से जोरदार तेजी आई है, 4100 के ऊपर सोयाबीन का वायदा बंद हुआ है। अजय केडिया, क्या फंडामेंटली मार्केट आपको काफी मजबूत लग रहा है? करीब 2.25% बाजार बढ़कर बंद हुआ है। देखिए मैंने डेफिनेटली अगर एडिबल काउंटर की बात करें, खास करके सोयाबीन की, जिस ढंग से प्राइजेस ने रैली की है वो काफी एक सरप्राइजिंग है। अभी भी मुझे लगता है कि जिस ढंग से प्रोडक्शन के फिगर्स जो डैम डाउन हुए हैं और साथ में फेस्टिव बाइंग है, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में और थोड़ी तेजी और देखने मिल सकती। बट आज सुबह भी जब मार्केट खुला था तो ऐसा लग रहा था कि आज प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है मार्केट में, बट लेट मोमेंट में जो हमने खिंचाव देखा है मार्केट में, मुझे लगता है आने वाले दिनों में और तेजी बढ़ सकती है, जो 4300 से 4400 का लेवल सोयाबीन में दिखा सकती है। ओके, मेटल को जो मेटल का जो काउंटर है अनुज गुप्ता, लगातार रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, एक्शन पिछले हफ्ते दिखा था लेकिन वो एक्शन बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं रह पाया, आज हालांकि थोड़ी बहुत मजबूती की कोशिश में है मार्केट, क्या करना चाहिए आज मेटल में? देखिए मेटल्स में देखें तो लोअर लेवल में बाइंग देखने को मिली है, कहीं ना कहीं अगर देखें तो एक मार्केट अभी रेंज में है, बट अगर हम लेड को देखें या निकल को देखें तो उनमें एक तेजी देखने को मिली है, और साथ में अगर कॉपर को भी देखें तो एक लोअर लेवल से बाइंग आती हुई दिखाई दी, तो मुझे लगता है कि बेस मेटल में कंपैरेटिवली जो नेगेटिव ट्रेंड था वो खत्म होता हुआ दिखाई दिया, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा रेंज में रहे, बट जिस तरह का हमने डेली बेसिस पर क्लोजिंग देखा है पिछले 4-5 दिनों से तो पॉजिटिव ही क्लोजिंग देखने को मिली है, तो मुझे लगता है कि बेस मेटल में बाय और डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए, हमारा कॉल भी बेस मेटल में बाय का ही रहेगा। अगर कॉपर की बात करें तो मुझे लगता है कि ऊपर में करीबन 355-356 का लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, आप कह रहे हैं कि 355 से 356 का लेवल कॉपर में देखने को मिल सकता है, इस पर आप नजर बनाकर चलिए, और फिलहाल 350 के स्तर पर कॉपर में यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर नेचुरल गैस की बात करें अजय केडिया, हालांकि यहाँ पर भी बाजार बहुत ज्यादा एक्शन के मूड में नहीं है, एक रेंज बाउंड ट्रेड काफी लंबे समय से हो रहा है, अभी करीब 0.5% की बढ़त है, 165 के आसपास है, बिल्कुल इस रेट पर आपकी राय क्या होगी? देखिए प्योरली अगर इंटरडे की बात करें तो आज इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में हम देख रहे हैं कि 92 BCF अगर आता है तो डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म जम जरूर मिल सकता है जो 168-170 के नियर बाय रहेगा, बट मीडियम टर्म आउटलुक अभी भी वीक है, हमने डेफिनेटली पिछले महीने में देखा था जैसे 170 का लेवल तोड़ा था उसके बाद काफी अच्छा एक सेलिंग प्रेशर बढ़ा था, बट 160 के नीचे कोई भी सेल करने जल्दी नहीं आ पा रहा, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए बाय करके चलिए, 68-70 तक का भी लेवल मिलता है वहां से वापस एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है जो नीचे में 155 तक के लेवल देखने मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चने की, क्योंकि चने की कीमतों में आज बहुत ज्यादा एक्शन देखने को मिला है, शुरुआती कारोबार में भाव नीचे था लेकिन उसके बाद बाजार में तेज रिकवरी आई है और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो करीब 1.5% की मजबूती के साथ हुई है, 5330 के स्तर पर बाजार बंद हुआ है। अनुज गुप्ता, पहला सवाल आपसे तो ये कि आखिर मार्केट में ये रिकवरी आई क्यों है और ये रिकवरी कितनी टिकने वाली है? देखिए मृत्युंजय, अगर देखें तो मॉनसून सभी जानते हैं कि इस बार डेफिसिट में रहा है और एक्सपेक्टेशन ये है कि आने वाले टाइम में भी जो क्रॉप होगी वो कम हो सकती है, और साथ में अगर देखें तो जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो अभी तक लैंड नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेशन ये है कि आने वाले टाइम में जो क्रॉप साइज रहेगा वो कम रहेगा, क्वालिटी कंसर्न भी चने में देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से एक तेजी यहाँ पर लौट कर आई है, और इवन अगर हम देखें तो आज कॉन्ट्रैक्ट हाई बनाया है चने ने करीबन 5380 के आसपास, तो मुझे लगता है कि अब एक जो तेजी का माहौल था वो यहाँ पर आते हुआ और देखने को मिल सकता है। लेकिन तेजी आज चीनी वायदा में भी दिखी है, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि पॉलिसी लेवल की खबरें हैं कि एक्सपोर्ट को लेकर कुछ कदम उठ सकते हैं, और साथ ही उत्पादन का जो अनुमान आया है सरकार का वो भी कम हुआ है और उसका इम्पैक्ट भी मार्केट पर दिखा है, करीब 0.25% मार्केट ऊपर है, 48 रुपए की मजबूती है। चीनी के ऊपर आपका आउटलुक क्या कहता है जेकेडिया? देखिए चीनी में मैं स्टार्टिंग से काफी बुलिश था जब हमने प्राइजेस को 2300 देखा था, डेफिनेटली एक पॉलिसी लेवल एक इंपॉर्टेंट रहेगा, साथ में जो स्विंग में ड्रॉप है वो एक्सपेक्टेड था, पिछले 2 साल से अगर देखा जाए तो प्राइजेस इतने ज्यादा मूव नहीं कर पाए थे, इसलिए फार्मर्स अभी हम देखा जाए तो क्रॉस एक्रेजिंग हो रही है, तो आने वाले दिनों में फेस्टिव डिमांड भी है, तो मुझे लगता है 2900 तक के भी लेवल शुगर में देखने मिल सकते हैं। वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुछ और कमोडिटी की,
और आपको बताएंगे कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, और साथ ही कल के लिए आप कहां पर ट्रेड कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। आप कॉल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर है 1800-1803545, साथ ही आप 01204258237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। ब्रेक से पहले नजर इवनिंग कॉल। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है, और अब आपको बताते हैं एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में। खबर यह है कि मध्य प्रदेश में सूखे के संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की है। शिवराज सिंह ने केंद्र से आर्थिक मदद की मांग की है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार किसानों का कोई नुकसान नहीं होने देगी, उन्हें हर संभव आर्थिक मदद दी जाएगी। मध्य प्रदेश इस समय गंभीर सूखे के संकट से गुजर रहा है, और सूखे के कारण या बरसात के बहुत गैप के कारण पिछले दिनों आधे मध्य प्रदेश में तो बारिश हुई ही नहीं। इसलिए मैंने वित्त मंत्री जी से आग्रह किया है कि मध्य प्रदेश के किसानों को हम भरपूर मदद कर पाए, अपने संसाधनों से करेंगे, उसमें भारत सरकार का सहयोग चाहिए, उनका सहयोग चाहिए, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हर संभव सहयोग करेंगे। जी, तो हर संभव मदद देने की कोशिश यहाँ पर किसानों को की जाएगी, क्योंकि बारिश काफी कम हुई है। इस बार 14% कम बारिश हुई है पूरे मानसून सीजन में, और मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब ग्वार की, और ग्वार की कीमतों में भी जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है। अनुज गुप्ता, अगर ग्वार की बात करें तो हालांकि फसल जो है अनुमान से काफी कम होने की संभावना है क्योंकि बारिश काफी कम हुई है, लेकिन इसका इंपैक्ट मार्केट पर दिख चुका है। अब आपको ग्वार का आउटलुक क्या दिख रहा है? देखिए, सभी जानते हैं कि जो इस बार क्रॉप है वो कम है, आपने रिपोर्ट भी दिखाया था जिसमें ग्वार का जो प्रोडक्शन था वो कम था। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अब प्राइस में एक अपसाइड मोमेंटम आना चालू हुआ है, हालांकि मूवमेंट थोड़ा स्लो है, बट अगर हम देखें तो एक तेजी की तरफ प्राइस देखने को मिले। अभी करंटली प्राइस 4200 के आसपास चल रहा है, और जो 4000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने ब्रीच करके क्लोज किया है। वॉल्यूम भी थोड़े बढ़ते हुए नजर आए, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे तेजी इसमें देखने को मिलेगी। हालांकि अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है 4500 का, मुझे लगता है कि अभी कुछ दिनों में हम 4500 तक का लेवल देख पाएंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बाजार में जो तेजी है 84 रुपए के की मजबूती के साथ आज मार्केट बंद हुआ है। बाइंग की कॉल है, 4400 का टारगेट आपको ग्वार सीड नवंबर वायदा में देखने को मिल सकता है। लेकिन अजय केडिया, आपसे ये जानना चाहेंगे जिस तरह से मार्केट का मूवमेंट रहा है एग्री में, हालांकि हाल के दिनों में अच्छा खासा एक्शन रहा है, ओवरऑल अगर एग्री पैक को देखें तो पूरे एग्री पैक में आपको सबसे ज्यादा बेहतर काउंटर कौन सा लग रहा है और वहां पर करना क्या चाहिए? पूरे एग्री पैक्ट की बात करें तो मुझे दो काउंटर काफी स्ट्रांग लगता है, पहला है स्पाइसेस और दूसरा है ऑयल सेक्टर। अगर ऑयल में देखें तो सीपीओ और रिफाइंस ऑयल में दोनों में अच्छी तेजी आई है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है सीपीओ में और तेजी बढ़ सकती है, जिस ढंग से हमने मलेशिया में ईल ड्रॉप होते हुए देखी एलनीनो की वजह से, तो मुझे लगता है प्राइजेस यहां से और 40 से 50 रुपए बढ़ सकता है। वहीं अगर स्पाइस पैक की बात करें, जीरा ऑलरेडी रैली कर चुका है, बट हल्दी में मुझे लगता है कि जिस ढंग से 8000 के ऊपर मेंटेन है, तो आने वाले दिनों में 8.5 से लेकर 9000 तक के भी लेवल हल्दी में देखने मिल सकते हैं। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, कुशवाहा, सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए। आपको आवाज आ रही है? हेलो जी, पूछें। हेलो जी, जी पूछें। हेलो, लगता है इन तक हमारी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन डॉलर रुपी की अगर बात करें अनुज गुप्ता, तो रुपए की चाल अब आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि रुपए में भी पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। आज रुपया करीब 22 पैसे की मजबूती के साथ बंद हुआ है 64.82 के स्तर पर, क्या राय होगी आपकी रुपए की? देखिए, अगर हम देखें तो लास्ट वीक भी मार्केट नेगेटिव ही क्लोज हुआ था, एक तेजी की तरफ करके बंद हुआ था, तो मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ी सी जो इसमें तेजी है वो बाकी हो सकती है। तो हमारा व्यू करेंसी के ऊपर बिकवाली का रहेगा, तो करीबन 65 से लेकर 65.10 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। नीचे हमें लगता है कि आने वाले दिनों में 64.80 से लेकर 64.60 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट है उसकी वजह से सपोर्ट मिल सकता है। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ कमोद है, ग्वार पर सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर, मैं एक जमींदार फैमिली से हूँ, किसान हूँ, तो मेरे पास में 2 साल से 200 क्विंटल ग्वार है, तो मैं दिसंबर तक ये जानना चाहता हूँ इसका कि 5000 रुपए भाव आएगा या नहीं आएगा। 200 क्विंटल आपके पास ग्वार है, दिसंबर तक आप जानना चाहते हैं कि 5000 तक भाव पहुंचेगा या नहीं।
अजय केडिया, क्या आउटलुक आप देख रहे हैं ग्वार का? देखिए मुझे फंडामेंटली मुझे लगता है काउंटर काफी स्ट्रांग हो चुका है, वॉल्यूम्स नो डाउट धीरे धीरे पिकअप करें, बट एक कैरियर स्टॉक भी काफी अच्छा है और डिमांड पिकअप नहीं कर पा रही, इसके लिए स्लो एंड स्टडी मूव कर रहा है। 4800 से 5000 का लेवल डेफिनेटली दिसंबर तक दिखने मिल सकता है, इनको होल्ड करके चलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लक्ष्य नारायण है हरियाणा से, पूछिए। लक्ष्य नारायण आपको आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। हाँ जी, एक महीने में सरसों कहाँ तक चल जाएगी? एक महीने में सरसों का भाव कहाँ तक जा सकता है? पिछले कुछ दिनों में मस्टर्ड में अच्छी खासी तेजी आई है, 5000 के ऊपर बाजार अभी भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज भी मार्केट की क्लोजिंग करीब 30, हालांकि आज 30 रुपए नीचे बाजार बंद हुआ है, लेकिन 5000 के लेवल को मार्केट होल्ड कर रहा है। अनुज गुप्ता, आपका आउटलुक क्या कहता है मस्टर्ड के ऊपर? देखिए मुझे लगता है कि अब थोड़ा कम हिस्से मूवमेंट हम देखेंगे, बट मुझे लगता है कि अगर हम जैसा कि एक महीने का व्यू जानना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि 5100 से लेकर 5150 तक के मूवमेंट लेवल देखने को मिल सकते हैं, बट मुझे लगता है कि जब नई क्रॉप आएगी तब थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। फिलहाल एक महीने के लिए मुझे लगता है कि प्राइस जो है थोड़ा पॉजिटिव साइड में रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ दीपक है, सवाल पूछना चाहते हैं। दीपक पूछिए। दीपक आपको आवाज आ रही है? क्या डाला है इनसे, इन तक हमारी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन अगर सोया तेल की बात करें तो सोया तेल पर आपको क्या लगता है अजय केडिया, क्या करना चाहिए अभी सोया तेल में? देखिए सोया ऑयल में भी हमने देखा है कि काफी अच्छी जंप आई है, क्वार्टर वन क्वार्टर टू में हमारे इंपोर्ट्स भी काफी थे, तो मुझे लगता है कि अभी सीजन का टाइम भी है तो इंपोर्ट्स भी अच्छे हैं और प्राइजेस में मुझे लगता है फर्दर तेजी देखने मिल सकती है। ठीक है, जो करीबन 650 से 660 तक के लेवल देखने मिल जाएगा। ओके चलिए, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। ओके, रैपिड फायर राउंड शुरू करने से पहले आपको बता दें कि गोल्ड अपने इंट्राडे हाई पर पहुंच चुका है, यानी बाजार की रफ्तार बनी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मजबूती का रुख है उसका सीधा इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। 115 रुपए ऊपर है और 342 के इनफैक्ट ऊपर जा चुका है बाजार, तो मार्केट में अब शाम के कारोबार में रफ्तार यहां पर और बढ़ती हुई दिख रही है। चलिए अब शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। अजय केडिया, आपकी पहली कॉल क्या होगी आज के लिए? नहीं, मुझे लगता है गोल्ड ही एक अच्छा काउंटर रहेगा, जिस ढंग से 27000 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, 27100 में बाय करके चलिए, ऊपर में 450 से 500 तक का जंप देखने मिल सकता है। अनुज गुप्ता आपकी कॉल। और देखिए हमारी दूसरी कॉल जो रहेगी वो नेचुरल गैस में रहेगी, हमें लगता है कि नेचुरल गैस के अंदर टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है और इसमें करीबन टारगेट 170 तक देखने को मिल सकते हैं। आपकी आखिरी कॉल है जेकेडिया। मेरी आखिरी कॉल जिंक में रहेगी, जिस ढंग से ग्लेनकोर का जो कट आया उसके बाद तेजी काफी आ चुकी है, 17.5 पे बाय करके चलिए, ऊपर में इंट्राडे में मुझे लगता है 20 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय केडिया और अनुज गुप्ता आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।